अब सभी लोग तो जानते होंगे मोबाइल फ़ोन का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोसेसर का नाम आता है वो है क्वालकॉम, मीडियाटेक, सैमसंग, और अगर एप्पल का बात किया जाए उसमें आता है बायोनिक चिपसेट। आखिर हमें इंटेल का प्रोसेसर क्यों नहीं देखने मिलता है मोबाइल में, जो इंटेल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है लैपटॉप और डेस्कटॉप का मार्केट पे। वेल, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ साल पहले तक इंटेल का प्रोसेसर देखने मिलता था मार्केट पे और कुछ फ़ोन में भी आया था। आसूस जेनफोन जो सीरीज था उसके तरफ से इंटेल का प्रोसेसर देखने मिला था, फिर जोलो का कुछ मॉडल में देखने मिला था, और कुछ टैब भी आया था जो इंटेल प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया था। और जो हमें फ़ोन में प्रोसेसर देखने मिलता था वो था इंटेल एटम चिपसेट के ऊपर, और इंटेल ने इस प्रोजेक्ट को 2016 में पूरा फुल्ली क्लोज्ड कर दिया। इंटेल जो फोकस करने लगे उसके बाद से लैपटॉप और डेस्कटॉप मार्केट पे, और हमें इंटेल का प्रोसेसर देखने नहीं मिलता मोबाइल में। तो फिर क्या हुआ था इंटेल एटम चिपसेट के साथ? जो मोबाइल के लिए प्रोसेसर बनाया गया था वो एग्जैक्ट सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था जो यूज करते हैं अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप प्रोसेसर बनाने में, और इसीलिए जो प्रोसेसर था वो थोड़ा ज्यादा ही कॉस्टली हो गए एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक, क्योंकि सेम डिजाइन और सेम चीजों का इस्तेमाल करके वो अपना डेस्कटॉप प्रोसेसर बनाया करते थे। और आप जानते ही होंगे डेस्कटॉप का जो प्रोसेसर आता है काफी महंगा आता है, और जो प्रोसेसर जो फोन के साथ आने वाला है वो थोड़ा कॉस्टली होगा। उस प्राइस पॉइंट में जो स्नैपड्रैगन में जो प्रोसेसर आता था ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे थे एज कम्पेयर टू इंटेल, और जो प्राइस था वो भी कम था इंटेल से। जो मेन रीजन था इंटेल को फेल होने का प्रोसेसर मार्केट में, इंटेल का जो एटम चिप थी वो काफी ज्यादा पॉपुलर और परफेक्टली काम करती थी विंडोज लैपटॉप या नोटबुक पे जिसमें विंडोज इंस्टॉल हो, और ये चीज काफी हिट रही इंटेल के लिए। बट वहीं अगर बात किया जाए मोबाइल मार्केट में, वो उतना ज्यादा कमाल नहीं कर पाए जितना ज्यादा लैपटॉप या डेस्कटॉप में करते थे, और इंटेल मोबाइल मार्केट में पूरी तरह से फेल हो गए। इंटेल का जो एटम चिप थी वो x86 आर्किटेक्चर का यूज करती थी, यही प्रोसेसर डेस्कटॉप और लैपटॉप में काफी परफेक्टली और अच्छे तरीके से काम करती थी विंडोज पे, और विंडोज जो है टोटली ध्यान रख के बनाया गया था x86 आर्किटेक्चर पे। जितने भी एप्स था टोटली पूरा तरीके से ऑप्टिमाइज था विंडोज के लिए, बट ये आर्किटेक्चर के कारण एंड्रॉइड के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती थी। जो एंड्रॉइड ओएस है वो आर्म के डिजाइन को ध्यान रख के बनाया गया है, और एंड्रॉइड काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है आर्म का प्रोसेसर में, ना कि x86 आर्किटेक्चर पे। और गूगल खुद काम करती है क्वालकॉम के साथ, सैमसंग के साथ, मीडियाटेक के साथ, कैसे और ऑप्टिमाइज किया जाए आर्म चिपसेट को और से ज्यादा मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकाल पाए आर्म चिपसेट से। जो आर्म का जो प्रोसेसर है वो रिक्स आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और जो सोर्स कोड है वो कम लिखना पड़ता है एक्स कम्पेयर टू x86 आर्किटेक्चर। यहीं अगर बात किया जाए x86 आर्किटेक्चर का, एंड्रॉइड उतना अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाती थी जितना विंडोज निकाल पाता था, और अगर बात किया जाए पावर कंजम्पशन का वो बहुत ही ज्यादा था एज कम्पेयर टू आर्म चिपसेट। अगर इंटेल प्रोसेसर के लिए कोई ऐप डिजाइन करना है तो अलग से कोड लिखना पड़ता था ताकि एंड्रॉइड को कंपेटेबल किया जाए उसके लिए, और यही रीजन के लिए अपडेट दे पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया इंटेल चिपसेट पे। और डेवलपर को अगर कोई ऐप डिजाइन करना हो तो उस फोन के लिए तो अलग से उसको कोड लिखना पड़ता था, और कोड काफी ज्यादा लंबा था और थोड़ा कॉम्प्लेक्स था एज कम्पेयर टू जो हम आर्म में लिखते हैं। इतने कुछ करने के बाद भी उस प्रोसेसर से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाता था जितने अच्छे तरीके से आर्म से निकाल पाता था, और धीरे धीरे पूरे तरीके से कंपनी सब इंटेल से आर्म की तरफ शिफ्ट करते गए, जो क्वालकॉम प्रोसेसर उसके तरफ शिफ्ट करते गए, क्योंकि उसके लिए काफी आसान था कोड लिखना और काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज था एंड्रॉइड के लिए। बस यही रीजन था इंटेल का फेल होने का मार्केट पे। और आज का वीडियो इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो में कमेंट करके बताइए कौन सा प्रोसेसर आपको ज्यादा अच्छा लगता था, इंटेल या स्नैपड्रैगन। अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।